डेरा सिरसा मुखी पर साध्वी बलात्कार मामले में 25 अगस्त को आने वाले फैसले के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा प्रदेश में सिविल व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं पंचकुला के सेक्टर 23 में बड़ी गिनती में डेरा समर्थकों के बढ़ते कट को देखते हुए पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसे में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने डेरा प्रेमियों से अपील करते हुए कहा कि वे कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे डेरे की छवि पर दाग लगे। देखिए, केंद्र से हमने कल 115 और कंपनियों की डिमांड भेजी है, तो उसके बारे में केंद्र सरकार से जो भी रिप्लाई आना है उसके बारे में बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है कि कुछ हमें कंपनियां वहां से और मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा हमने जितने भी अपने पुलिस फोर्स हैं जो छुट्टी गए हुए थे उनकी छुट्टियां कैंसिल की हैं, और इसके साथ ही राज्य में जितने भी होम गार्ड्स हैं उनको भी हम कॉल आउट कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हमारे पास इस समय पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध है। मुख्य जो हमारा स्ट्रेस है वो आइडेंटिफिकेशन है, जो भी शरारती तत्व हैं उनके लिए अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से हम ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके और उनके प्री एम्प्टिव अरेस्ट के हमने आदेश दे दिए हैं। जहाँ जहाँ पे नाकाबंदी हो रही है वहाँ पे हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। खासतौर पे जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनको सील कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं डेरा प्रेमियों से अपील करता हूँ, और कल भी मैंने कहा था कि जिनके नाम में ही प्रेमी शब्द है तो उनसे प्रेम, प्यार और भाईचारे की उम्मीद है। डेरा की पास्ट में भी जो छवि रही है वो प्रेम, प्यार और भाईचारे की रही है। हमेशा समाज के कार्यों में वो जुड़े रहे हैं, चाहे स्वच्छता अभियान हो, भ्रूण हत्या के खिलाफ कैंपेन हो, तो सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि डेरा प्रेमी अपने उसी सामाजिक पक्ष का परिचय देंगे, उसी परंपरा और उसी परिपाटी का परिचय देंगे, और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे डेरे की छवि पर दाग लगे। आपको बता दें कि प्रदेश में सुरक्षा के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी प्रकार का हथियार या असला रखना प्रतिबंधित है। सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार का वेपन, असला, वो कैरी करना प्रतिबंधित है। और जितने भी डेरा प्रेमियों के नाम चर्चा घर हैं वहाँ पर भी हमने संपर्क किया है कि किसी प्रकार का लाठी, डंडा या इस तरह का डिस्प्ले जैसे पिछले कुछ दिनों पहले किया गया है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और ऐसी स्थिति में जो भी संबंधित कानून तोड़ने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।